विद्रोह पर लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहां पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह पर की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं विद्रोह पर लाइव। जंगलों में अवैध कटाई इन दिनों मेलघाट के सभी ऑफिसरों के लिए सरदर्द बन गया है। अवैध कटाई के साथ साथ में मेलघाट से लेकर तो परतवाड़ा पे यहाँ पे अवैध तरह के कई जगह पर आरा मशीन लगाई गई है। लकड़ा कटाई के लिए जहां जिसके मन में आया वहां पर शेड लगा दिया और वहां पर इलीगल तरीके से कटाई का काम जारी कर दिया गया है। ऐसे न जाने कितने ही जगहों पर मेलघाट से अवैध लकड़ा काटा जाता है और चोरी छिपे मार्केट में बेच दिया जाता है। कुछ इसी तरह का भंडाफोड़ कल शनिवार 11 तारीख को हुआ है। वन विभाग के कुछ अधिकारी पेट्रोलिंग पर निकले थे। पेट्रोलिंग पर निकलने के बाद में उन्हें एक ऑटो में कुछ सागवान दिखा। ऑटो के साथ में एक दुपहिया वाहन पर भी उन्हें कुछ सागवान का माल दिखा, जिस पर उन्हें शक आने पर उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया और पूरी जांच की। इस जांच में पता ये चला कि कांडली से सटकर परतोड़ा रोड के पास एक खुले मैदान में ये आरा मशीन एक टीन के शेड में चलाई जा रही थी। यहाँ पर लापरवाही की इंतजार देखिए कि यहाँ पर न तो वन विभाग का ध्यान था, न ही यहाँ पे एमएससीबी के अधिकारियों का काम था, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन ले गई थी वो डायरेक्ट पोल पर से ली गई थी। मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पर बिजली आपूर्ति की गई थी और साथ में जोर शोर से यहाँ पर कटाई शुरू थी। ये एक दो दिन से नहीं हो रहा था, ये यहाँ पर कई महीने से या बोलो कई सालों से यहाँ पर रोक टोक चल रहा था, जो अचानक ही वन विभाग के अधिकारियों के ध्यान में आ गया। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ का पूरा लकड़ा जब्त किया व यहाँ की पूरी मशीनरी जब्त करके इसका पूरा सामान अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी से जो माल जब्त किया गया है उसमें लकड़ा कटाई की मशीनों के साथ में सागवान का लकड़ा व पूरे गाड़ियों के साथ में कुल 3,50,000 का माल वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1), 41(42) महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 के नियम 31(47) अंतर्गत मामला दर्ज करके आरोपी सैयद वसीम सैयद हुसैन शाह इनके साथ इनके सहायकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3,50,000 का माल जब्त कर लिया। काल दिनांक 11/1/2020 रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी परतवाडा यांच्या गस्ती पथकाने काल अचलपूर ते परतवाडा रस्त्यावरती एक 3-चाकी वाहन हे अवैधरित्या सागवान लाकडांची वाहतूक करीत असताना दिसून आले। त्यानुसार गस्ती पथकाने काल दिनांक 11/1/2020 रोजी वनगुन्हा क्रमांक 24/14 दाखल केला। त्या सदरच्या वनगुन्ह्यामध्ये एक 3-चाकी ऑटोरिक्षा व एक मोटरसायकल जप्त केली। तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार आज दिनांक 12/1/2020 रोजी परिक्षेत्रातील कर्मचारी व गस्ती पथकाचे चमू यांनी एकत्रित मिळून कांडली येथील मोहम्मद सय्यद वसीम सय्यद हुसेन यांचे एका भूखंडामधील क्षेत्रात जाऊन पाहणी केली असता तिथे आम्हाला अवैध लाकडे दिसून आली। दस्तावेजांची पाहणी केली असता सदरचे दस्तावेज आणि सागवान लाकडे यांच्याशी ताळमेळ न जुळून आल्यामुळे तसेच विना परवाना कुठल्याही प्रकारची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची परवानगी न घेता कटाई करण्याचे जे यंत्र आढळून आले तर ते यंत्र आम्ही जप्त सदरच्या वनगुन्ह्यामध्ये जप्त केलेले आहेत। तसेच आरोपी विरुद्ध भारतीय वन अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे। तसेच प्रकरणाची पुढील चौकशी चालू आहे। सदरच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सय्यद वसीम सय्यद हुसेन तसेच त्याचे दोन सहकारी यांना वन विभागाने ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे। इस पूरी कारवाई में वनपरिक्षेत्र अधिकारी पी भड, सर्कल अधिकारी डी सी लोखंडे, वनरक्षक अहिरराव निर्मळ पालियार बाळापुरे बसले वाटाने व वाहन चालक बांबूरकर व राउत प्रमुखता से उपस्थित थे। आगे की जांच अधिकारी लोखंडे कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लिए दीजिए नमस्कार।